नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं माई एस क्लासेस। आज का विषय है डेमोक्रेसी इंडेक्स। दोस्तों, विश्व की कौन सी संस्था है जो डेमोक्रेसी इंडेक्स की गणना करती है? इस वर्ष भारत का कौन सा स्थान है? शीर्ष स्थान पर कौन सा राष्ट्र है तथा सबसे निचले पायदान पर किस राष्ट्र को स्थान दिया गया है? आज हम इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, विश्व के राष्ट्रों में लोकतंत्र के स्थिति का आकलन करने के लिए प्रत्येक वर्ष ब्रिटेन की द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा लोकतंत्र सूचकांक की गणना की जाती है। यह गणना वर्ष 2006 से की जा रही है। इसी क्रम में वर्ष 2019 के लिए ऐसी ही इंडेक्स रिपोर्ट 22 जनवरी 2020 को जारी की गई। वर्ष 2019 के लिए विश्व के 167 देशों व क्षेत्रों के लिए डेमोक्रेसी इंडेक्स का आकलन किया गया। 167 देशों की इस सूची में भारत का स्थान 51वां है। पिछले वर्ष से तुलना करें तो भारत 10 पायदान नीचे है तथा भारत को इस वर्ष दोषपूर्ण लोकतंत्र अर्थात फ्लॉड डेमोक्रेसी की श्रेणी में रखा गया है। भारत की लोकतंत्र स्थिति में गिरावट मुख्यतः नागरिक स्वतंत्रता के स्तर में गिरावट के कारण दर्ज की गई है। अगर 2019 की लोकतंत्र सूचकांक की रैंकिंग की बात करें तो इस दृष्टि से विश्व के 167 देशों की सूची में शीर्ष स्थान नॉर्वे का है, जबकि सबसे निचले पायदान पर उत्तर कोरिया का स्थान है। दोस्तों, आइए अब डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 में कौन कौन से कंट्री टॉप पे है उसे हम देखते हैं। रैंकिंग वाइज प्रथम स्थान पर है नॉर्वे, दूसरा स्थान आइसलैंड का है, तीसरे स्थान पर है स्वीडन, चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड तथा पांचवां स्थान प्रदान किया गया है फिनलैंड को। और इस रैंकिंग में 6.90 स्कोर के साथ इंडिया का रैंक 51वां है, जबकि नॉर्वे 9.87 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर तथा 1.0 स्कोर के साथ सबसे निचले पायदान पर अर्थात 167वें स्थान पर उत्तर कोरिया है। इस रैंकिंग में भारत व पड़ोसी देशों की स्थिति इस प्रकार है। भारत का स्थान 51वें है। 69वें स्थान पर श्रीलंका है। 80वें स्थान पर बांग्लादेश, 91वां तथा 92वें स्थान पर क्रमशः भूटान व नेपाल है। 108वां स्थान प्रदान किया गया है भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को। 141वें स्थान पर अफगानिस्तान है, जबकि चीन का स्थान 153वां है। दोस्तों, आइए अब यह समझने का प्रयास करते हैं कि ब्रिटेन की द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट लोकतंत्र सूचकांक की गणना अथवा आकलन कैसे करती है। दोस्तों, EIU अर्थात इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का यह इंडेक्स 5 श्रेणियों पर आधारित होती है। पहला है चुनावी प्रक्रिया व बहुलवाद अर्थात इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म। दूसरा है सरकार का कामकाज फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा राजनीतिक भागीदारी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। चौथा राजनीतिक संस्कृति पॉलिटिकल कल्चर तथा पांचवा नागरिक स्वतंत्रता सिविल लिबर्टीज। इस वर्ष दोस्तों भारत की लोकतंत्र स्थिति में गिरावट मुख्यतः नागरिक स्वतंत्रता अर्थात सिविल लिबर्टीज के स्तर में गिरावट के कारण ही दर्ज की गई है। इन 5 श्रेणियों के अंकों के आधार पर प्रत्येक राष्ट्र को 4 प्रकार के शासन में बांटा गया है। पहला है पूर्ण लोकतंत्र फुल डेमोक्रेसी। 8 से ज्यादा अंक हासिल करने वाले को फुल डेमोक्रेसी की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा दोषपूर्ण लोकतंत्र अर्थात फ्लॉड डेमोक्रेसी। 6 से ज्यादा लेकिन 8 या 8 से कम अंक पाने वाले को फ्लॉड डेमोक्रेसी के अंतर्गत रखा जाता है। भारत को वर्ष 2019 में इसी श्रेणी में रखा गया है। यही कारण है कि भारत 2018 की तुलना में 10 पायदान नीचे है। तीसरा है संकर शासन अर्थात हाइब्रिड रिजिम। 4 से ज्यादा लेकिन 6 या 6 से कम अंक पाने वाले को हाइब्रिड रिजिम के अंतर्गत रखा जाता है। चौथा है सत्तावादी शासन अथॉरिटेरियन रिजिम। जिस कंट्री को 4 या उससे कम अंक प्राप्त होते हैं उसे इसी श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। यही कारण है कि उत्तर कोरिया को अंतिम स्थान दिया गया है, जिसका स्कोर
सबसे कम अर्थात 1.08 है। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह वीडियो? आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा।